अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर दानियाल है। क्योंकि सोशल आइसोलेशन में हम लोग रह रहे हैं और लॉकडाउन की सूरत हाल है, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों में एनजाइटी की यानी कि शिकायत आ रही है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को स्लीप डिस्टर्बेंस हो रही है। इसलिए हमने सोचा कि हम आपको साइंटिफिकली प्रूवन तरीके बताएं जो कि रिसर्च बैक्ड हों, ताकि लोग अपनी स्लीप को इम्प्रूव कर सकें। जो हमारी नींद की कमी है उसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा शिकायत का सामना करना पड़ता है, जिसमें हार्मोनल डिस्टर्बेंस और हमारी परफॉर्मेंस डे टू डे वर्क्स में, हमारे जो ब्रेन फंक्शन है उसमें, और हमारा वेट गेन हो सकता है कम सोने की वजह से, और उसके अलावा मज़ीद काफ़ी सारी बीमारियों का खदशा हो सकता है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। उसके बरक्स अच्छी अगर हमारी नींद पूरी होगी, हम अच्छी नींद करेंगे, तो उससे हमें खाने की कम ज़रूरत पड़ती है, हमारा वज़न कम होता है, हम अच्छा डे टू डे परफॉर्म कर सकते हैं, हम रिफ्रेश्ड और हेल्थियर फील करते हैं। सबसे पहला तरीका, इंक्रीज ब्राइट लाइट एक्सपोजर ड्यूरिंग डे टाइम। दिन के वक्त सूरज की रोशनी से या तेज़ रोशनी से में खुद को रखें, ताकि आपको जिस्म को पता चले कि ये दिन का टाइम है। जैसे हम लॉकडाउन में हैं, या लोग आमतौर पे आजकल के हालात में टेक्नोलॉजी का दौर है तो लोग अपने कमरों में ही रहते हैं आमतौर पे, तो उनका उस सूरज की रोशनी से सामना नहीं होता इतना, या कम से कम होता है सारे दिन में। तो उससे क्या होता है, हमारे जिस्म में एक घड़ी लगी हुई होती है जो कि हमारा रूटीन को मेंटेन करती है, उसको हम कहते हैं सर्केडियन रिदम। जो सर्केडियन रिदम होता है वो हमारा स्लीप और वेक साइकिल को मेंटेन करता है। जब वो देखता है कि काफ़ी ज़्यादा रोशनी है तो वो हमारी जागने के वक्त को मेंटेन करता है, और जब वो देखता है कि अब अंधेरा हो गया है तब वो मेलाटोनिन को रिलीज़ करवाता है, एक हार्मोन है मेलाटोनिन, उसको रिलीज़ करवाता है और हमें नींद आने लग जाती है और हमें अच्छी नींद आती है। रिसर्च से ये पता चला है कि जो हमारे लोग हैं जिनको नींद की सोने में परेशानी होती है, दिक्कत होती है, या अच्छी नींद नहीं आती, अगर उनको दिन में कम से कम 2 घंटे सूरज की रोशनी से में रखा जाए, यानी कि उनको बाहर की माहौल में रखा जाए, तो 80% लोगों में जो नींद की शिकायत है वो ख़त्म हो जाती है। दूसरा मेथड है रिड्यूस ब्लू लाइट एक्सपोजर इन द इवनिंग। जो ये भी सर्कैडियन रिदम से ही जो है वो यानी कि कोरिलेट कर रहा है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि सर्केडियन रिदम है वो दिन में जब तेज़ रोशनी महसूस करता है तो वो कहता है कि जागने का टाइम है, हमारे जिस्म को बताता है। उसी तरह से अगर उसको रात के टाइम तेज़ रोशनी मिलेगी तो उसको लगेगा कि अभी दिन है, रात नहीं हुई, वो हमारे जिस्म को कहेगा कि अभी जागो, अभी तो दिन है। तो उसके ये जो ब्लू लाइट आती है कहाँ से आती है, पहले दौर में अभी कुछ टाइम पहले तक, कुछ साल पहले तक तो टीवी होता था, लेकिन वो भी कुछ फासले पे होता था। अब मोबाइल आ गए हैं, लैपटॉप आ गए हैं, तो उनकी जो स्क्रीन से जो ब्लू लाइट इमिट हो रही होती है वो आपकी आंखों पे आपके सर्कैडियन रिदम को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। तो इसके लिए इसका हल ये है, एक अच्छा हल है कि आप ऐप्स डाउनलोड करें, जैसे कि ट्वाइलाइट है, वो आपके ब्लू लाइट एक्सपोजर को कम कर देगी, जो फ़ोन या लैपटॉप ब्लू लाइट इमिट करते हैं। टीवी को कम देखें रात के टाइम पे, रात को सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, मोबाइल में कोई बुक या नॉवल पढ़ने की जगह किताब में पढ़ें रात के टाइम, तो उससे आपकी जो नींद है वो बेहतर हो जाएगी, जल्दी नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी, और आपको उठने में भी आसानी होगी। जो एक और रिसर्च है उससे ये पता चला है कि जो मेलाटोनिन है, जब आपको रात को ये यानी कि ब्लू लाइट एक्सपोजर होता है मोबाइल से, वो आपकी बॉडी में मेलाटोनिन की सिक्रीशन को कम कर देता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेलाटोनिन जो है वो आपकी नींद को इम्प्रूव करता है, तो उसी वजह से अब आपकी नींद भी नहीं आएगी, आपको अगर आएगी तो काफ़ी देर से आएगी और अच्छी नींद नहीं आएगी। तीसरा मेथड, डोंट कंज्यूम कैफीन लेट इन द डे। यानी कि रात से पहले, सोने से 2 से 3 घंटे पहले तक चाय मत पिएं, कॉफ़ी मत पिएं। चाय कॉफ़ी पीने के काफ़ी ज़्यादा फ़वाद भी हैं, लेकिन अगर रात के टाइम उसको पिया जाए या सोने से 2 से 3 घंटे पहले तक पिया जाए तो आपकी नींद पर उसका गलत असर होता है।
एक रिसर्च से ये पता चला है कि जो कॉफ़ी है या कैफे कॉफ़ी या चाय से जो आप कैफीन लेते हैं वो कम से कम 6 घंटे तक आपके जिस्म के अंदर रहती है। तो अब बेहतर है कि 6 घंटे सोने से 6 घंटे पहले तक आप कोई भी चाय या कॉफ़ी ना पिए। उसके अलावा हमारी जो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं पेप्सी कोक सेवन अप इन सब में भी कैफीन और एनर्जी बूस्टर्स होते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हो गई, इनको भी कम से कम 6 घंटे पहले तक ना पिए। हमारा चौथा मेथड है ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी नाइट। रोज रात को गर्म दूध पिए। जो दूध होता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम होता है, जो उसका सफ़ेद रंग है वो कैल्शियम की वजह से आता है। तो अगर आप लोग रोज़ रात को दूध पियेंगे तो वो एक नेचुरली स्लीप इंड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी वो आपकी नींद को इम्प्रूव करेगा। हमारा पांचवा मेथड है रिड्यूस इरेगुलर और डे टाइम नैप्स, यानी कि दिन के वक्त आप ज़्यादा सोने को तरजीह ना दें। एक रिसर्च से ये साबित है कि अगर लोग दिन में ज़्यादा सोते हैं तो वो पूरे दिन थके थके रहते हैं, उनको सर दर्द होता है और वो आलस का शिकार रहते हैं उठने के बाद। सुन्नत है कि कलूला करना दोपहर के टाइम, आधे घंटे का सुन्नत के मुताबिक आधे घंटे का कलूला करें, सोएं दोपहर के टाइम, और ये इसको रोज़मर्रा की आदत बनाएं। अगर आप कभी सोएंगे कभी नहीं सोएंगे तो आपका जो सर्कैडियन रिदम है वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा और वो उस कंफ्यूजन में आपकी रात की नींद खराब कर देगा। अगर सोना है दोपहर को तो रोज सोने की आदत बनाएं सिर्फ आधे घंटे के। ये बात रिसर्च से साबित है कि आधा घंटा या इससे कम की नींद आपको ज्यादा एक्टिव बनाती है और हेल्थी करती है दोपहर के टाइम। हमारा छठा मेथड है ट्राई टू स्लीप एंड वेक एट कंसिस्टेंट टाइम्स। जिस रोज की आदत बनाएं कि इस टाइम पे मैंने सोना है और सुबह इस टाइम पे उठना है। आप रोज़ की आदत बनाएंगे तो हमारे जो सर्कैडियन रिदम है वो एक फ्लो में चलेगा, उसको पता चल जाएगा कि इस टाइम ये बंदा सोता है। अगर आप एक दिन 10 बजे सोएंगे, दूसरे दिन 12 बजे सोएंगे, तीसरे दिन 2 बजे सोएंगे, चौथे दिन 8 बजे सो जाएंगे, तो हमारे सर्कैडियन रिदम को वो फ्लो नहीं मिलेगा और फिर आपको नींद नहीं आएगी। जो आपका मैक्सिमम टाइम होगा जागने का सर्कैडियन रिदम उस वक्त तक आपको जगाएगा, और अगर आपको जल्दी सोएंगे भी तो उस वक्त तक आपको जो डीप स्लीप है उसमें नहीं जाएंगे, जो सुकून वाली नींद होती है। हमारा सातवां मेथड है मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स। कुछ लोग होते हैं वो इंसोमनिया का शिकार होते हैं, तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि वो नींद वाली दवाइयाँ लेते हैं जैसे अल्प्राजोलैम वगैरह। ये जो लेक्सोटिनिल या अल्प्राजोलैम वगैरह होती हैं ये आपको बेहोश करती हैं। इनसे एक बेहतर चीज़ है मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स लें। रिसर्च से ये बात साबित है कि मेलाटोनिन सप्लीमेंट लेने वालों को नींद की दवाई लेने वालों से ज़्यादा अच्छी नींद आती है और ज़्यादा गहरी नींद आती है और उनके जिस्म पे उसके मौसर असरात नहीं होते। इसको रेगुलर लेकिन इनको भी लेने की आदत ना बनाए, वरना हमारा जिस्म जो है मेलाटोनिन बहैसियत खुद सिक्रीट करना छोड़ देगा। कुछ अरसे के लिए इसको लें, एक दफ़ा आपका रिदम बन जाए उस रिदम को मेंटेन करें, वक्त पे सोएं, वक्त पे उठें, जो भी वक्त आप डिसाइड करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने कितने भी देर सोना है, किसी भी वक्त सोना है, वक्त पे सोएं और उसी वक्त पे उठें जो आपका डिसाइडेड है, आपको उसके बाद आप इसको लेना छोड़ दें आहिस्ता आहिस्ता। आठवां मेथड है ऑप्टिमाइज योर बेडरूम एनवायरनमेंट। रिसर्च से ये बात साबित है कि खामोश एनवायरनमेंट और बगैर रोशनियों के एनवायरनमेंट में आपको ज़्यादा अच्छी नींद आती है और आपकी जो है स्लीप इम्प्रूव होती है। इसलिए अपने कमरे में आवाज़ों को, डिस्ट्रैक्शंस को, रोशनियों को, जैसे कि कुछ लोगों के कमरों में एक्वेरियम पड़ा होता है तो उसकी रोशनी सारी रात आती रहती है, इस चीज़ को कम करें, आवाज़ को कम करें, जो बाहर से किसी ट्रैफिक वगैरह की आ रही हो या इस तरह से उनको कम करें तो आपको बेहतर नींद आएगी। हमारा दसवां मेथड है सेट अप योर बेडरूम टेम्परेचर। रिसर्च से ये बात साबित है कि बेडरूम का टेम्परेचर ज़्यादा इफेक्ट डालता है नॉइस रिडक्शन से, यानी कि इर्द गिर्द की आवाज़ों को कम करने से हमारा जो बेडरूम का टेम्परेचर है वो ज़्यादा इफेक्ट डालता है। तो आइडियल टेम्परेचर जो एक इंसान को अच्छी नींद के लिए चाहिए होता है वो 20 डिग्री होता है, और वो मेजोरिटी इंसान इसी रेशियो में फॉल करते हैं, तकरीबन 20 से 25 की रेशियो में। यह आइडियल टेम्परेचर है, इसको मेंटेन करें, कूलर लगा लें, पंखे चला लें,
एसी अगर चला अफोर्ड कर सकते हैं तो एसी चला लें, ये टेम्परेचर मेंटेन करें, इसमें नींद अच्छी आती है। हमारा 10वां मेथड है, डोंट ईट लेट इन द इवनिंग। रात को सोने से पहले भारी खाना ना खाएं। ज़्यादा खाना खाने से आमतौर पे नींद आती है, लेकिन अगर आप ज़्यादा खाना खाते ही लेट जाएं तो आपको सोने में दुश्वारी होती है, एसिडिटी की शिकायत होती है लोगों को, और मज़ीद काफ़ी सारी बीमारियों का भी ये बाइस बनता है। फौरन ही नहीं सोना खाना खाते। हमारा 11वां मेथड है, रिलैक्स एंड क्लियर योर माइंड इन द इवनिंग। रात को सोने से पहले इवनिंग में आप किसी तरह से अपना दिमाग क्लियर करें। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ म्यूजिक सुने, म्यूजिक सुना जा सकता है, मेडिटेट करें, आंखें बंद करें, तस्बीह पकड़ें, या अल्लाह की तस्बीह निकालें। उसके अलावा कुरान पढ़ें, कुरान के अलावा आप कोई किताब पढ़ सकते हैं, गर्म पानी से नहा सकते हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज होती है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। हमारा 12वां मेथड है, टेक अ रिलैक्सिंग शावर। एक और रिसर्च वो ये कहती है कि अगर आप 90 मिनट पहले नहाएं सोने से तो आपकी स्लीप क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है और आप डीप स्लीप में जल्दी चले जाते हैं। उसके अलावा एक और बात, साइकेट्रिस्ट के पास जाने से मत डरें। हमारा 13वां पॉइंट भी इसी बात से रिलेटेड है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाने से मत डरें। स्लीप डिसऑर्डर आम तौर पे लोगों को होते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ इस बात का हल नहीं निकाल सक रही तो लगातार खुद को नींद की दवाई पे डालने से बेहतर है कि आप ये बात को रूल आउट करें कि आपको स्लीप डिसऑर्डर तो नहीं है। हमारा 14th पॉइंट है, गेट अ कंफर्टेबल बेड मैट्रेस एंड पिलो। साइंटिस्ट ने नया मैट्रेस लेने वालों पे पहले 28 दिन रिसर्च की है, उससे ये बात पता चली है कि अगर आप नया मैट्रेस लेते हैं तो उससे 57% लोगों में जो बैक पेन है वो ख़त्म हो जाती है, जो शोल्डर पेन है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक इम्प्रूव हो जाती है 60% लोगों में। जो हमारी आकड़ जिस्म अकड़ जाता है जिन लोगों का, वो 59% लोगों में ये चीज़ ख़त्म हो जाती है और 60% लोगों में उनकी स्लीप क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। उसके अलावा डिफरेंट स्टडीज़ ने ये बताया है कि जो पुअर क्वालिटी स्लीप है वो काफ़ी ज़्यादा मौका पे बैड मैट्रेस यानी कि ख़राब मैट्रेस से रिलेटेड होता है और उनको और कोई मसला नहीं होता, सिर्फ मैट्रेस का मसला होता है। बेस्ट मैट्रेस क्या होता है ये डिफरेंट लोगों पे डिफरेंट, कुछ लोगों को सख्त मैट्रेस पे ज़्यादा अच्छी नींद आती है, कुछ लोगों को नरम मैट्रेस पे नींद आती है, लेकिन हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो कर्व में होती है, वो बिल्कुल सीधी नहीं होती। अगर आपका मैट्रेस बहुत ज़्यादा सख्त होगा या बहुत ज़्यादा पतला होगा तो उससे हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको सुकून नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा मोटा मैट्रेस लें ताकि हमारी स्पाइनल कॉर्ड को उसका प्रॉपर कर्व मिल सके और हमारी उससे आपकी स्लीप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव होगी। हमारा 15th मेथड है, एक्सरसाइज रेगुलरली बट नॉट बिफोर बेड टाइम। आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, हर रोज़ एक्सरसाइज करें और एक्सरसाइज को अपनी रूटीन बना लें। अगर जब आपका जिस्म थकेगा तो वो उसको जल्दी नींद आएगी, लेकिन कभी भी सोने से 41 मिनट पहले तक एक्सरसाइज मत करें। उसकी वजह यह है कि इसकी 55% लोगों में जो एक्सरसाइज करते ही सो जाते हैं उनको सही नींद नहीं आती, वो डीप स्लीप में नहीं जा सकते और रात को उनकी आंख खुल जाती है। 30% लोगों की रात को आंख खुल जाती है जो कि एक्सरसाइज करते ही सो जाते हैं। और रिसर्च से ये भी पता चला है कि 70% लोग जो कि रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनको नींद की शिकायत नहीं होती। शुक्रिया।